start something where we can help the students here and give them right direction. Thank you very much for coming there. So, Pushkar sir, can we start now or? 5 minutes. Just. 5 minutes. He's on the way. So I can request anyone, any of the student who wants to speak anything, sir. We have few students. Last year actually we had very very less number of students. That was our first year, and this year we have a total of 40 students, where many are from class 8, 9 and 10, and very few we have in class 11, 10, 12 who will be going. And so here today most of the performances you will be seeing in few moments for cultural programs are being prepared by our kids of class 8th, 9th and 10th, and hopefully you will enjoy it. They have practiced it very hard, so let's see what happens. So anyone? Ma'am wants to speak. Please, ma'am. थैंक यू मैम, आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है आपने साथी के बारे में बताया. पर मुझे आपसे एक प्रश्न है कि क्या आप बता सकती हैं कि साथी एकेडमी और अदर कोचिंग जो सेंटर्स हैं उसमें क्या डिफरेंस है? पेरेंट्स जो है विश्वास करके साथी एकेडमी में अपने बच्चों को दे रहे हैं, तो आप स्पेशल उन बच्चों में क्या दे रहे हैं जो बाकी सेंटर्स में, कोचिंग सेंटर्स में शायद ना मिले बच्चों को? ओके, सो दैट पार्ट एक्चुअली मैंने अभी, अच्छा आई थिंक मुझे हिंदी में बोलना चाहिए, ज़्यादातर लोग शायद हिंदी ज़्यादा कम्फर्टेबल हैं, सो मैं कोशिश करूँगी हिंदी में बोलने की. बीच बीच में अगर इंग्लिश आ रहा है प्लीज़ कॉल करो. सो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, कि हमारी एकेडमी में हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि बच्चा बहुत फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथ्स में बहुत स्ट्रॉन्ग हो. उसके साथ साथ हम उनके वैल्यूज़ को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोशिश करते हैं. सर इज हियर. सो हर पेरेंट बोलते हैं कि बच्चों जल्दी उठा करो,
तो हमने कहा था कि अगर आपको टेस्ट में एक्स्ट्रा 5 मार्क्स मिलेंगे अगर आप सुबह 5 बजे उठते हैं और रात को 10 बजे सोते हैं, एंड वी हैड अ डेली चार्ट, दे हैड टू फुलफिल यू नो लाइक ऑल दोस क्राइटेरियाज. सो एंड इट वाज नॉट दे विल नॉट इट, वी यूज्ड टू आस्क पेरेंट्स आल्सो कि इज ही वेकिंग अप अर्ली, इज ही डूइंग दोस प्रैक्टिसेस, बिकॉज अगर आपका यू नो लाइक रूटीन, आपका फूड, आपके ऑल दोस प्रैक्टिसेस आर नॉट वेरी गुड, देन आप ये नहीं पूछ सकते कि मुझे जल्दी याद नहीं हो रहा है या मैं कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो, बिकॉज दीज थिंग्स टेक्स टाइम. और बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इन पर असर करती हैं, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ उनका डेली रूटीन कैसा है, उनके घर में कैसा एनवायरमेंट है, ऑल दोज फैक्टर्स आते हैं. सो ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस भी हम अपनी कोचिंग में लगाते हैं जिससे बच्चे सही रूटीन में आ सकें और उनके हैबिट्स ज़्यादा सही हों. और उसके बाद फिर हम उनको आर्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की क्लासेस देते हैं, उनको बहुत छोटे छोटे तरीके बताए जाते हैं जिनसे वो अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट कर सकें. सो नाउ बिकॉज आवर चीफ गेस्ट सर इज हियर, सो वी कैन स्टार्ट अवर प्रोग्राम. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट एवरीवन लाइक हैज सम, सो मेनी पीपल हैव कम हियर फॉर आवर फर्स्ट एनुअल डे फंक्शन फ्रॉम सारथी अकेडमी. So many things. I'll just give one story, small story. Like you know, if a boy when he's very young and he wants to plant a seed, okay. So what he does? So he will just ask his father if he's a son of gardener, or he'll ask someone elder, and then he plants the seed, and then he nurtures it, waters it. By whatever he has learned from elders, and he has to have patience, and then patiently he watches and nourishes, and when the first leaf comes out of the soil, he feels so relaxed, so satisfied that at least it is alive, yeah, it's growing. And then slowly, slowly he has to wait a little more and more, and then you know the first flower bud comes out, which finally blossoms into a beautiful flower, you know, which spreads the fragrance all around. And after that, the first fruit of that plant comes, and he feels so very happy. Really, he feels so very happy that, you know, first fruit has come of my all efforts. So our condition is same like that young boy. We are really young and we have tried our best, and this is the time we are celebrating our first fruit. You know, this year has come out of whatever efforts we did, and you know, we know that, you know, the plant is within the seed, so all those potentials within these students who are here, and we have lots of birds and plants who are going to become fruit here. So we just want to share our happiness, how happy we are, and would request all your blessings so that we can do it better further in the coming years. So let's begin our program. First we would like to invoke Lord by lighting the lamp. I would request sir, madam, you can also come, and principal sir also, madam, please come on the stage. Yeah.
Yeah.